नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मारवाड़ी कॉलेज में हुआ सेमिनार का आयोजन, विदेशी वक्ताओं ने दिए व्याख्यान। आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे सका नगर निगम, तीसरी बार अस्थायी समिति की बैठक स्थगित। शहर में नहीं थम रहा है शराब का धंधा, 20 बोतल शराब के साथ धराया धंधेबाज। 2 महीने से न्याय के लिए भटक रही है तलाकशुदा महिला, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मारवाड़ी महाविद्यालय में सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मॉस्को से आए प्रोफेसर संजय कुमार राजहंस ने सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए प्रगति पर व्याख्यान दिया। सेमिनार का उद्घाटन मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केसी झा, डॉक्टर नीरज कुमार तिवारी, डॉक्टर संगीत कुमार, डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा और डॉक्टर केन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केसी झा ने बताया, सेमिनार का आयोजन अर्थशास्त्र विभाग और समाजशास्त्र विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। सेमिनार में मॉस्को के प्रोफेसर संजय कुमार राजहंस ने सोशियो इकोनॉमिक के लिए पब्लिक पॉलिसी के बारे में विस्तार से चर्चा की और प्रकाश डाला। सोशियो इकोनॉमिक्स रणनीति पब्लिक पॉलिसी पर है, जो बाहर से संजय कुमार राजहंस जी आए हैं मॉस्को से, वो उसके बारे में है। और यह लड़के को बहुत फायदेमंद होगा, उसका वर्कशॉप करके ग्रुप बना बना करके वो एक प्रॉब्लम देंगे और इसका कैसे सॉल्यूशन होगा उसके मामला में बात करेंगे। 2 बार नगर निगम की अस्थायी समिति की बैठक स्थगित होने के बाद बुधवार को भी तीसरी बार बैठक बेनतीजा रही। नए नगर आयुक्त के योगदान के बाद पहली बार होने वाली इस बैठक में निगम आय और व्यय का ब्यौरा नहीं दे सका। किस मद में कितनी राशि खर्च की गई है इसका ब्यौरा निगम प्रस्तुत नहीं कर सका। इसको लेकर मेयर और डिप्टी मेयर में नाराजगी देखी गई और पूरा ब्यौरा मांगा है। नगर आयुक्त ने 10 दिनों की मोहलत मांगी और अगली बैठक में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। वहीं मेयर ने कहा, विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए यह जरूरी है कि हर मद में खर्च की गई राशि का ब्यौरा पटल पर रखा जाए। पूर्व का जैसे कि कोई बैठक करते हैं तो अनुपालन होना जरूरी होता है, चाहे आय व्यय का हिसाब हुआ या कोई योजना हुआ, जो सारा चीज उसमें आ जाती है, तो उसका अनुपालन नहीं होना तो पूर्व का अनुपालन होना चाहिए। तो जनता को के समक्ष ये तमाम चीजें पूरे ईमानदारी के साथ जाए, और ये वही व्यक्ति कर सकता, वही जनप्रतिनिधि कर सकता है जिसको 1 रुपया भी सरकार का या जनता के पैसे का लालच नहीं है। हम लोगों को 1 रुपया का लालच नहीं है, इसीलिए हम तमाम चीजों को हम लोगों ने पूर्व बैठक में रखा था कि हमको आय व्यय का हिसाब चाहिए। महापौर साहिबा की अध्यक्षता में पहले यह सवाल उठाया गया था, जिसको विगत 2-3 बैठक से देखा जा रहा है कि वो हिसाब जब मांगा जाता है तो मोटा मोटी एक हिसाब दे दिया जाता है कि योजना शाखा से 50 करोड़ खर्च हो गया, सफाई से 20 करोड़ खर्च हो गया। तो इससे तो आप हिसाब आपका जनता का नजर में आया ही नहीं। हम लोगों ने इस बात को पहले भी कहा था कि यदि 50 करोड़ खर्चा हुआ तो कहां कहां खर्चा हुआ, 1-1 रुपया का हिसाब पूरे डिटेल में दें, ताकि जनता के समक्ष जो भी हमारे सभी पार्षद उनके समक्ष ये चीजें पूरी स्पष्टता के साथ पारदर्शिता के साथ हम लोग दे सके। पुलिस की तमाम सख्ती के बावजूद शहर में शराब की डिलीवरी बदस्तूर जारी है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक में पुलिस ने मनीष कुमार, पिता हरदेव यादव को 20 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जोक्सर का मनीष यहां किराए का मकान लेकर शराब का धंधा कर रहा था, जिसे हबीबपुर थाना अध्यक्ष कृपा सागर ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। शराब कारोबारी मनीष कुमार कई बार जेल भी जा चुका है। प्रवासी मजदूर और स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित सैनिटरी पैड और रेडीमेड गारमेंट्स की खूब मांग हो रही है। बुधवार को एसएम कॉलेज में 3 दिवसीय लघु उद्योग मेला का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्लस्टरों द्वारा निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाकर बिक्री की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा और विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेफाली ने किया। मेले का आयोजन बिहार सरकार
सरकार के उद्योग विभाग द्वारा सहायता प्राप्त जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के अंतर्गत किया गया। क्लस्टर की प्रशिक्षक उषा सिन्हा ने बताया, यहां के बने पैड बाजार की अपेक्षा अधिक आरामदायक और इको फ्रेंडली है। और यहीं के जो हमारे बुरी हुई दीदियाँ हैं और जो कामगार भाई लोग आए हैं, मजदूर आए हैं बाहर से, वो इसमें काम कर रहे हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र रघुचक के महारपुर क्रिकेट मैदान पर 24 फरवरी को मां काली क्रिकेट टूर्नामेंट के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में कुमारपुर और पंसल्ला के बीच क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में पंसल्ला ने कुमारपुर को 7 रनों से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। विजय टीम को कठहरा पंचायत के मुखिया अमित कुमार उर्फ रवि ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुखिया रवि ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन से युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर निखारा जा सकता है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत के गोसाईदासपुर गांव के मधुबाबा मैदान में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय संतमत सत्संग के 40वें वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत वंदना और ध्यान से शुरू हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती यादव, एसकेपी विद्या विहार के निदेशक प्रशांत विक्रम, ग्राम पंचायत गोसाईदासपुर के मुखिया प्रतिनिधि सचिदानंद मंडल, पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार, राकेश और वार्ड सदस्य प्रभाकर झा ने संयुक्त रूप से किया। इस आयोजित धार्मिक कार्यक्रम से आसपास के क्षेत्रों का माहौल भक्तिमय बना हुआ था। नाथनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक संख्या 2 और 3 के बीच में एक लावारिस बैग देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक पर फेंके बैग को देख ट्रैक पर काम कर रहे ट्रैक मैन ने इसकी सूचना नाथनगर स्टेशन मास्टर संजय यादव को दी। आरपीएफ के कर्मचारी ने जब बैग को खोलकर देखा तो बैग में कपड़े और सामान थे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पूर्व नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बम भी मिला था, जबकि नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बीते करीब 2 वर्षों से आरपीएफ की तैनाती नहीं है। कहलगांव की तलाकशुदा मजूरी खातून ने 2 महीने बाद आज फिर एक बार एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मजूरी खातून को उसके पति मोइन अंसारी ने फोन पर ही तलाक दे दिया था। स्थानीय थाने में कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने भागलपुर में डीआईजी और एसएसपी से इसकी शिकायत की थी। कोई कार्रवाई नहीं होते देख न्याय की आस लेकर पुनः आज उसने एसएसपी के दरबार में हाजिरी लगाई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की जिला अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी से न्याय दिलाने की पहल की है। उनका कहना है 2 महीने पहले भी इसकी शिकायत एसएसपी से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो है तो यहाँ डीआईजी सर के पास आए तो वहाँ भी गए, तो यहाँ एसएसपी के पास भेजे तो यहाँ भी आए, तो उस टाइम आशीष भारती सर थे, उस टाइम फिर भी कोई कार्रवाई, आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैम पूछे क्या इस पर मतलब केस किए हैं वो, तो हम उनको बोले कि 2 महीना पहले से ये केस चल रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैम बोली क्या ठीक है, हम इसको महिला डेस्क में भिजवाते हैं, वहाँ से फिर हम कार्रवाई करवाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और तकनीकी संस्थानों में एंट्रेंस के लिए सभी संसाधनों से सुसज्जित मेंटर्स एडुसर्व की शाखा का उद्घाटन तिलका मांझी में किया गया। संस्थान के निदेशक आनंद जायसवाल ने बताया, एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा तथा यहाँ छात्र की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए संस्थान में फूडिंग और लॉजिंग की मुफ्त व्यवस्था की जा रही है। मौके पर पूर्व कुलपति क्षमेंद्र सिंह, पूर्व प्राचार्य आरपीसी वर्मा, प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह, प्रणव कुमार भी मौजूद थे। अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो बेस्ट टीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर उनका टेस्ट होगा और साथ में उसकी डिटेल एनालिसिस कराई जाएगी। बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके काउंसलिंग की जाती है हमारे यहाँ, तक उनकी परफॉर्मेंस और एनहेंस हो सके। और जैसा मैंने बताया कि उनको आईटी मेडिकल के अलावा जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी गाइड किया जाएगा, जैसे KBPY है, ओलंपियाड है, NTSC है, क्लास 10 में, तो बच्चों को उनके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी।
यूपी की तर्ज पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस बिहार में भी महापंचायत का आयोजन करेगी। ऐसी ही एक महापंचायत 25 फरवरी को झुरकुरिया में आयोजित की गई है, जिसमें जिले के किसान इकट्ठा होंगे। इसके पूर्व NSUI के कार्यकर्ताओं ने महापंचायत की सफलता के लिए जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। NSUI के प्रदेश सचिव आदित्य राज सेतु ने कहा, महापंचायत का आयोजन कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा के आह्वान पर किया गया है। प्रकार से कोरोना के संकट काल में लोकतंत्र की धज्जा उड़ाकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा 3 काला कानून डकैती के रूप में किसानों पर थोपा गया, जिससे पूरा देश के किसान असंतुष्ट है, व्यथित है और विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इसके विरोध में हमारे माननीय नेता आदरणीय श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के आह्वान पर बेलखुड़िया में 25 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके लिए हम सभी छात्र, हम सभी युवा जगह जगह घूमकर किसानों को यह जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि फिलहाल खबरों में इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।